चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भारत में शुरू हो सकता है। वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं कि अभी अगर पूरी दुनिया की बात करें ओवरऑल तो शायद लगभग अब करीब 300 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम ये देखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हैं तो शायद अच्छे 50-1 हैं, उसमें भी 30-35 जो है वो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है। भारत में भी उसके अंदर से 6 वैक्सीन्स हैं जो अच्छी खासी स्थिति के अंदर पहुंच चुकी हैं। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए, इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। चलिए एक और राहत की खबर कि अब लंबा इंतजार कोरोना की वैक्सीन को लेकर नहीं करना पड़ेगा। नया साल नई खुशखबरी के साथ, और हो सकता है जनवरी में किसी भी वक्त पहला वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का पहला शॉट दिया जा सके।